हाँ भाई नमस्कार जी। मेरे जितने भी ओबीसी एससी एसटी भाई हैं जो अपने संघर्ष को समझते हैं, अपनी परिस्थितियों को समझते हैं, अपने हकों को समझते हैं और वर्तमान में जो चीज़ें की जा रही हैं एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए, उसके इम्पैक्ट को आगे समझते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारे समाज पे, हमारी मेहनत पे और आपके इतने बड़े प्रयास पे क्या कुठाराघात रहेगा, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आज। और भाई मैं देख रहा हूँ कुछ समय से कि कई जगह कई ग्रुपों में ऐसा चल रहा है, एक र्यूमर क्रिएट किया जा रहा है, र्यूमर इस बात का कि भाई अगर ईडब्ल्यूएस के लिए केस होगा तो वैकेंसी रद्द हो जाएगी। अरे भाई मेरे, मैं कहता हूँ वैकेंसी रद्द हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए केस होगा, आप लोग इतना समय से केस कर रहे हैं कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, हम लोग केस करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो वैकेंसी रद्द हो जाएगा, मतलब हम लोग अपनी हक की बात करेंगे तो वैकेंसी रद्द हो जाएगा, और आप लोग अगर आप मलाई खाएंगे तो भाई वैकेंसी रद्द नहीं होगा। अब आप एक चीज़ बताइए, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, कौन सा लड़का ऐसा है जो 50 नंबर आगे ला के सलेक्शन पाता है? मैक्सिमम लोग तो 2-3 नंबर आगे पीछे रह के ही सेलेक्ट होते हैं या फिर सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो पढ़ने वाले में उनकी बात कर रहा हूँ। तो भाई मेरे एक बात बताइए, आप ईडब्ल्यूएस में आप वर्तमान में देख रहे हैं, एएस तक में देख लीजिए कितना भयंकर ग्रेडियंट है मेरिट का, आप उसको पाट पाइएगा। आप सब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, कुछ लोग तो इतने बड़े विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम तो कंपटीशन कर लेंगे। आप लोग कंपटीशन कर किए हैं अभी तक? 4 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप ज़्यादा गलत फहमी में डूब गए हैं। अरे भाई साहब सुनिए, हम बहुत पेपर दिए हैं, अनुभव है अपना। अनुभव के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आज खाली बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। और हमारा तो ये है कि भाई हमारी कम्युनिटी का क्यों, हम तो कह रहे किसी का भी नुकसान ना हो। आपको ईडब्ल्यूएस लगाना था जब वैकेंसी आई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, तो आप कैसे ये चीज़ कह रहे हैं कि अब ईडब्ल्यूएस लगेगा? और ईडब्ल्यूएस लगेगा मैंने मान लिया तो इस संवैधानिक रूप से हमें हक है कि हम लोग अपनी बात रखेंगे। और उसका जो भी फैसला आएगा हम लोग देखेंगे, अगर हमें लगेगा आगे चैलेंज करना है तो हम आगे भी चैलेंज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग सपोर्ट रहा तो। और आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कीजिए। कंट्रीब्यूशन इसलिए कीजिए भाई, मैं समझता हूँ सबकी परिस्थितियाँ हैं, फिर सबके पास पैसा भी नहीं है, सब लोग मैं समझ रहा हूँ, वैसे भी हमारी कम्युनिटी एस सी एस टी कम्युनिटी भी बेचारी पैसे से कमज़ोर है, मैं समझ रहा हूँ, ओबीसी भी कमज़ोर है, जनरल भी कमज़ोर, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ एज कम्पेयर टू अदर पर्सन हैं, हम लोग तो कमज़ोर हैं लेकिन फिर भी हम लोग कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अगर हम लोग को लड़ना है भाई तो आप तो जानते हैं कि हमारा तो कोई नहीं है, हमारे तो ना अधिकारी हैं हम लोगों का, ना कोई हम लोगों का आयोग में है, सरकार में भाई कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के खिलाफ। कहीं हम लोगों का कोई नहीं है तो हम लोगों को खुद लड़ना है, कंट्रीब्यूट भी करना रहेगा। तो भाई मैं सब लोगों को बहुत बहुत आग्रह करूँगा, सब लोग अपना प्रयास करें, कंट्रीब्यूट करें नंबरों पे जो 2 नंबर भाइयों ने दिए हुए हैं, इस पर कंट्रीब्यूट करें, और भाई अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सब लोग साथ दें, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और सब लोगों को समझाएं कि भाई देखिए ऐसा है कि शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? शेर आ जाएगा तो क्या हम लोग कायर हैं क्या? हम लोग लड़ेंगे ना, हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे, मरने का डर नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग शेर के डर से भागेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे अपने, ठीक है ना? तो हमारे बुजुर्गों ने कभी ऐसा नहीं है, वो आज ठीक है कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठा के खुद ही हीरो बन गए, चाहे वो आज़ादी का हो, चाहे वो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर बात नहीं भाई, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम लोग ना तो कल बेवकूफ़ थे ना आज है, वो बात ठीक है कि हमारा किसी को ना तो सताने का इंटेंशन था, ना आज है और ना रहेगा, लेकिन हम लोग अपने हकों की बात करेंगे और वो करते रहेंगे। और भाई सब लोगों का मुझे मेरा बहुत आग्रह है आप लोगों से, भाई अगर आप लोग 1400 लोग हैं ग्रुप में, अगर आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन कितना, लेकिन एटलीस्ट 100-100 रुपये भी अगर आप डालेंगे तो कम से कम एक अमाउंट हो जाएगा ठीक ठाक कि लोग ये लोग केस कर पाएंगे, अच्छे से लड़ेंगे और आगे उसका रिजल्ट आएगा, आप लोग फ़ायदा उठेंगे, आपके भाई फ़ायदा लेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू।